तो स्वागत है आपका इस रैंकर्स ओम के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जेई मेंस 2021 के मार्च के एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस का हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। और जितने भी हम सॉल्यूशन बताएंगे उसके साथ उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यार आज ये क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। लेट द कर्व y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, 2x+1। मतलब y x जो है ना सर, ये वाला इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है। फिर हमसे क्या बोला है कि इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू वाई एक्स एंड x एक्सिस इज 4√3। मतलब जो भी हमारा यहाँ कर्व आ रहा होगा ना, उस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया हमें आज दे रखा है 4√8/3। देन हमसे क्या बोला वाई वन का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए इतना समझ में आ रहा है सर हमें कि सर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाई एक्स मैंने जो हमारा फंक्शन है कर्व है वो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो भी वैल्यू बोलता है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आज हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या बोला, 1 पुट करके वैल्यू बताओ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर्व निकालते हैं, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हमें, 2x+1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप बता सकते हो कि सर ये वाला वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, उसका भी मैंने वहाँ लिंक दे दिया है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो क्या लिखोगे, डी वाई इक्वल टू क्या लिख रहे होगे, 2x+1 dx, ठीक है। तो इसको सर दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, सर इधर क्या आ गया हमारा वाई आ गया, इधर क्या आ गया सर अगर इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इसको क्या मिल रहा होगा हमारा, 2x2/2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया सर, x आ गया होगा इंटू 2x आ गया होगा, प्लस क्या आ जाएगा सर हमारा कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। मतलब जो हमारा कर्व था y था वो क्या आ चुका है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके बीच का एरिया क्या बन रहा था, 4√3, ठीक है। चलिए तो ये सर कैसे निकाल रहे होंगे, तो आप बोल सकते हो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ग्राफ पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और सर इसका जो x2 का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो अपवर्ड पैराबोला हो रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, तो हमें जो आज बात कर रहा है वो कौन सा एरिया का बात कर रहा है, वो इस एरिया का बात कर रहा है कि ये एरिया आपको दे रखा है, ये एरिया क्या दे रखा है आपको, ये एरिया दे रखा है 4√8/3। चलिए तो इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, तो एक जीके हम लोग जानते हैं कि सर ये जो होता है ना, ये जो एरिया हमारा होता है, ये जो एरिया बनता है, अगर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों को मिलाते हैं इसको टच करते हुए, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट को, तो ये जो रेक्टेंगल बनता है ना, तो इसका जो ये वाला जो एरिया होता है ये पैराबोला का जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इसका रेक्टेंगल का एरिया का कितना, 2/3 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू आप क्या बोलोगे, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने इसको इससे जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है, तो क्या निकाल रहे होंगे यहाँ पे, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो आप क्या बोल रहे हो, सर ये वाला एक रूट हो रहा होगा, अल्फा हो रहा होगा, एक बीटा हो रहा होगा। मतलब सर अगर ये वाला क्या है हमारा लेंथ है, ये वाला क्या है ब्रेथ है, तो लेंथ की एरिया बात करें तो ये वाला एडी क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ रूट है, एडी क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ रूट है, ठीक है। और इसका क्या होता है सर, ये वाला वैल्यू क्या होता है, इतना लेंथ क्या होता है, तो आपको पता है कि सर ये वाला होता है -d/4a होता है,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, मतलब ये लेंथ कौन हो रहा है, माइनस डी बाई फोर ए, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटू ए बी। ठीक है, चलिए तो हम इसको जाके साइड में निकाल लेते हैं, इसका लेंथ कैसे निकाल रहे होंगे। तो आप क्या बोलोगे, सर ए डी का वैल्यू क्या हो रहा होगा हमारा, माइनस डी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, इसका इक्वेशन हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ए डी कौन है सर, डिफरेंस ऑफ रूट है, और डिफरेंस ऑफ रूट आपको पता है कि सर डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, ए डी इक्वल टू क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट है, और डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, डी बाई रूट डी बाई क्या होता है हमारा, ए होता है। तो डी की वैल्यू रूट डी बाई ए, ए का वैल्यू कितना है हमारा, वन है, तो रूट डी अपन कितना हो गया, वन हो गया। सिमिलरली ये वाला ए बी लेंथ जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आप क्या बोल रहे हो सर, ए बी हमारा हो रहा होगा माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी अपॉन फोर ए, ए का वैल्यू क्या है सर, कॉफिशियंट कितना है, वन है। ठीक है ना, तो फोर इंटू वन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो ये हमें पता चल गया, और ऑलरेडी एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें दे दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या दिया हुआ है, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या दे रखा है, ये सर हमें फोर रूट एट अपॉन थ्री दे दिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो कि सर इसका वैल्यू क्या है, फोर रूट एट अपॉन थ्री, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, फोर रूट एट अपॉन थ्री इक्वल टू टू बाई थर्ड। ठीक है ना, ए डी का वैल्यू हमने क्या निकाला, रूट डी। ठीक है, और इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस डी, और एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको मॉड में ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस डी अपॉन फोर। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो फोर रूट एट, थ्री थ्री तो हमारा कट गया, क्या बचा टू, और नीचे में क्या बचा सर हमारा, अपॉन फोर, और यहाँ पे क्या हो गया, डी की पावर, क्या बोलोगे सर, डी की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना, टू बार में ये वाला इधर चला गया, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एट की पावर थ्री बाई टू, इधर क्या दिख रहा है, डी की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया हमारा, पावर क्या है, सेम है, तो बेस क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा, तो डी इक्वल टू क्या मिला हमें, एट मिला। तो अगर डी यहाँ से निकाल रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, तो डी का वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, यही हमारा वाई है ना। ठीक है, तो डी की वैल्यू आप निकाल रहे होगे तो आप क्या बोलोगे सर, डी हमारा जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या हो रहा होगा हमारा, एट हो रहा होगा। तो सर बी का वैल्यू क्या है, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू, ए का वैल्यू वन, और सी तो हमारा चलो सी ही है, इक्वल टू एट ना, ए फोर। ठीक है, तो c इक्वल टू कितना आ गया हमारा, माइनस वन। तो सर उस फंक्शन में हमें क्या सब कुछ पता था, सिर्फ c ही पता नहीं था, तो c का वैल्यू आज हमें पता चल चुका है। तो आप क्या बोल रहे होगे कि सर y x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, तो हमें क्या निकालना था, हमें वन का वैल्यू निकालना था, तो वन प्लस टू इंटू वन माइनस वन, ये कट गया, कितना है हमारा आंसर, टू आया। ठीक है, तो हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना था वाई वन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या था खासियत, इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि हमें ये वाला पता होना चाहिए जीके, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया था, हमें इस दोनों के बीच का एरिया पूछा गया था। ठीक है ना, सॉरी एरिया दिया हुआ था। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ था, तो उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका सी का वैल्यू फाइंड कर लिया, और सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हम लोग एरिया को इक्वेट करके, और फिर हमने फाइनल इक्वेशन में पुट करके वाई वन का वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई एक्स इक्वल टू, हमें कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है एट ए पॉइंट ए कोमा बी। ठीक है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ वाई एक्स, क्या बोला है कि इस कर्व का जो नॉर्मल है वो क्या है सर, एट ए पॉइंट ए कोमा बी, ए कोमा बी पे इज पैरेलल टू द लाइन दिस, और हमसे क्या बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस सिक्स बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो सर हमें कर्व फाइंड करना पड़ेगा,
उसके बाद क्या फाइंड करना पड़ेगा सर, हमें क्या बोला है कि इसका जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल से पहले हमें टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर टेंजेंट से हम नॉर्मल फाइंड करेंगे, इसका स्लोप और इसके स्लोप को बराबर करेंगे, वहाँ से कुछ हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन बन रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला, वाई एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका कर्व फाइंड कर लेते हैं। तो कर्व को फाइंड करोगे तो इसको इंडिकेट कर रहे होगे, तो जीरो से क्या है हमारा एक्स है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा 2t² - 15t + 10 और यहाँ पे क्या है हमारा dt, ठीक है। तो इसको इंडिकेट कर रहे होगे तो क्या मिल रहा होगा, 2t³/3 - 15t² / क्या मिल रहा होगा, 2 + 10/10t, और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर रहे होंगे तो जीरो से लेकर एक्स तक। तो हमारा जो कर्व है वो क्या आ गया, हमारा जो कर्व था वो आ गया 2x³/3 - 15x² / 2 + 10x, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया है सर, कर्व निकल गया है। अब हम क्या निकालते हैं, इसका टेंजेंट निकालते हैं। तो अगर टेंजेंट निकाल रहे होगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे तो क्या मिल जाएगा सर, तो क्या बोलोगे सर, ये वाला 3 आगे आ गया, तो 2 × 3 x² / 3, यहाँ पे कितना हो गया 15 2x / 2 + 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला इसको काट रहा होगा, ये वाला इसको काट रहा होगा, तो हमें ये वाला जो टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट किस पॉइंट पे, टेंजेंट हमारा आ चुका है, टेंजेंट हमारा क्या आ चुका है, 2x² - 15x + 10, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो इस कर्व का नॉर्मल था ना वो किसके पैरेलल था, वो इसके पैरेलल था, मतलब जो इसका नॉर्मल का स्लोप हो रहा होगा एट ए कॉमा बी पे वो किसके बराबर हो रहा होगा, इसके स्लोप के बराबर हो रहा होगा। तो इसका स्लोप हम लोग देख लेते हैं कि सर इसका स्लोप क्या आ रहा है, तो 3y = -x को उधर लेके गए -5, तो y = कितना हो गया -1/3x - 5/ क्या आ गया हमारा 3। तो यहाँ से इसका स्लोप कितना आया सर, -1/3 आया, ठीक है। तो इसका नॉर्मल निकाल रहे होंगे तो ये dy/dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, एट ए कॉमा बी, तो आप क्या बोलोगे सर, -1/ जो भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए कॉमा बी पे, तो x का वैल्यू कितना हो गया a² - 15a + 10, और ये किसके बराबर है, -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 = 2a² - 15a + 10, यहाँ से क्या है सर, इसको सॉल्व करने के बाद 2a² - 15a और ये उधर गया, तो आप क्या बोलोगे कि सर कितना हो गया मेरा 7 = 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर रहे होंगे तो 2a² - क्या आ जाएगा सर यहाँ पे 14, इसको फैक्टराइज कर रहे होंगे तो 14a - 7 = 0, और यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 14/2 और एक हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया मेरा 7 आया और यहाँ से क्या आया 1/2 आया, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब हमें कुछ क्वेश्चन में कंडीशन भी देखा है क्या, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। a के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्या सर, यस, ए के लिए हमें कंडीशन दिया हुआ कि ए ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा एक ए आया है वो क्या आया सर, 1 से छोटा आया है, तो इस ए को ले रहे होंगे हम लोग, नहीं ले रहे होंगे, तो फाइनली हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ गया, तो आप क्या बोलोगे सर, ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, तो आप क्या बोलोगे सर, हमें ए निकालना था और बी का वैल्यू निकालना था, तो ए का वैल्यू तो आ गया। तो जिस दिन इस इक्वेशन में x का वैल्यू हम a पुट कर रहे होंगे तो y क्या है, y ही तो b है ना हमारा कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे x की जगह कौन है, a है, y की जगह कौन है, b है। तो जब x की वैल्यू हम लोग 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर y जब हम a पुट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर हम पुट कर रहे होंगे 2, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 7। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर -4 1/3/6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा b का वैल्यू आ गया और a का वैल्यू कितना था, 7 था, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था a + 6b,
क्या निकालना था हमें, a प्लस सिक्स बी। तो आप क्या बोलोगे कि सर a प्लस सिक्स बी सेवन प्लस सिक्स इंटू माइनस फोर वन थ्री अपॉन सिक्स, और ये क्या हमारा मॉड में है तो ये वाला कट गया, और इससे जिस दिन ये माइनस कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा 406 माइनस के साथ, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 406। तो ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 406। समझ में आया क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकालना है, इस कर्व का इक्वेशन निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला, टेंजेंट निकाला। टेंजेंट निकालने के बाद सर हमने क्या किया, उस टेंजेंट का जो हमारा स्लोप था, जो हमारा टेंजेंट निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, उसको हमने क्या किया, नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। वो किसके बराबर था, इस लाइन के पैरेलल था, तो मतलब उसके स्लोप के बराबर हो रहा होगा, और वहां से हमने ए का वैल्यू फाइंड किया, फिर हमने बी का वैल्यू फाइंड किया, तो हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि सर एक पी एक्स फंक्शन है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ रियल कोफिशियंट सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन पी एक्स डी एक्स इक्वल टू वन एंड पी एक्स लिव्स रिमाइंडर फाइव वेन इट डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। मतलब जब पी एक्स को एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर कितना मिल रहा था, हमारा रिमाइंडर फाइव मिल रहा था। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आता है ना, आपने क्लास नाइन टेंथ में पढ़ा होगा कि सर जब किसी को किसी से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर अगर कुछ मिलता है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि सर हमने जब एक्स का वैल्यू क्या पुट किया, टू पुट किया, तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, हमें रिमाइंडर फाइव मिला। और जिस दिन मान लो अगर ये इसका क्या होता, कंप्लीट सॉल्यूशन होता, कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पे क्या मिलता हमें, जीरो मिलता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जिस दिन आप टू पुट कर रहे होगे तो आपको पी एक्स की जगह टू पुट कर रहे होगे तो क्या मिला होगा, टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू बी प्लस सी इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, इसको आप वन बोल दो, इक्वेशन वन। देख लेंगे आगे क्या यूज है इसका। उसके बाद हमें क्या बोला कि पी एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना है, वन दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ नाइन बी प्लस सी। ठीक है, मैंने बी और सी का वैल्यू निकालना है, बी और सी का एक इक्वेशन आ चुका है, किसी तरह सर एक और इक्वेशन आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको अगर आप फाइंड कर रहे होगे तो आप क्या बोलोगे कि सर जीरो से लेकर कहाँ तक है, वन तक पी एक्स, पी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है हमारा बी एक्स प्लस सी, यही दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे होगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा होगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी एक्स, और लिमिट क्या है हमारा जीरो से लेकर वन। तो लिमिट जिस दिन आप पुट कर रहे होगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, वन सब में पुट कर रहे होंगे तो वन अपॉन थ्री बी अपॉन टू प्लस सी, जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही होगा वन। तो इसको अगर सिक्स सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा फोर, इसको हम इक्वेशन टू बोल देते हैं, तो हमारे पास बी और सी के नाम पे दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करके हम बी और सी का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप बोल दो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, तो यहाँ पे लिख दो टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, और दूसरा इक्वेशन क्या है थ्री बी, 3b प्लस सिक्स सी इक्वल टू फोर। ठीक है, तो दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं, क्या करें सर, तो हम ऊपर में इक्वेशन वन में हम क्या करते हैं, सिक्स से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं टू को, तो सिक्स से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स हो जाएगा। तो दोनों को माइनस कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा हमारा, ये सिक्स सिक्स कट गया, ये वाला कितना बचा सर हमारा, नाइन बी बचा, और ये वाला क्या बचा, टू बचा। तो बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टू अपॉन नाइन। तो जिस दिन बी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर रहे होगे, ठीक है, तो इक्वेशन वन या टू किसी में पुट कर रहे होगे, तो जो हमारा सी है, सी का वैल्यू क्या निकल के आ जाए, फाइव बाई नाइन। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, फाइव बाई नाइन। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था क्या बोला है क्वेश्चन में, नाइन बी प्लस सी। तो नाइन बी प्लस सी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो नाइन इंटू बी, बी का वैल्यू कितना था हमारा, टू अपॉन नाइन। ठीक है ना, और सी का वैल्यू कितना था, फाइव अपॉन नाइन। तो नाइन नाइन कट गया, टू प्लस फाइव कितना हो गया, सेवन।
तो आपका आंसर कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट ये था कि ये क्या बोला था कि इससे डिवाइड हो रहा है, तो जिससे भी डिवाइड होता है रिमाइंडर 2 बच रहा है। मतलब क्या हो रहा है सर, जब x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे थे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा 5 आ रहा था। तो हमने इक्वेट करके एक इक्वेशन निकाल दिया और यहाँ से एक इक्वेशन निकाल दिया, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास बी और सी का वैल्यू आ गया, उसको पुट करके हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जो हमारे जेई में 2021 के मार्च में जो हमारे पूछे गए थे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि लेट पी एक्स बी ए रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मतलब एक फंक्शन है आपका पी एक्स है, ठीक है, वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 3 है। मतलब इतना समझ में आ गया कि सर जो हमारा पी एक्स था उसका डिग्री क्या था, उसका डिग्री हमारे पास दिया हुआ है 3, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं विच वैनिश एट एक्स इक्वल टू -3। अब इसका मतलब क्या होता है सर, वैनिश मतलब क्या होता है? मतलब वैनिश का मतलब ये हो रहा है कि उसका जो पी एक्स है ना, उसका एक सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू -3। मतलब जब एक्स इक्वल टू -3 जब पुट कर रहे थे तो पॉलिनोमियल पी एक्स क्या दे रहा था, हमारा वैल्यू 0 दे रहा था, मतलब वैनिश खत्म हो जा रहा था, ठीक है ना। मतलब ये भी आपको पता चल चुका है कि पी -3 इक्वल टू क्या दिया हुआ, हमें 0 दिया हुआ है। लेट पी एक्स हैव लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1। साथ में आपको दिया हुआ कि पी एक्स का जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ये क्या दिया हुआ है, 1 और एक -1 दिया हुआ है। अब सर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कब आता है, तो आपको पता है कि सर जब हम फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डिवाइड डी एक्स निकालते हैं और उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो वहां से हमारा क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट आता है, और वही हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिया करता है। मतलब आपको इतना पता चल चुका है कि सर ऑब्वियसली सर अगर पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या था हमारा 3 था, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा होगा उसका एक डिग्री कम हो गया होगा। समझ में आ रही बात? मतलब जो आपका जो डी पी एक्स डी पी अपॉन डी एक्स दिया होगा, ठीक है ना, जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसका एक डिग्री क्या हो गया होगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कम हो गया होगा। मतलब इसका डिग्री 3 था तो अब डिग्री 2 हो गया होगा। अब डिग्री 2 में कितने सॉल्यूशन आ रहे होंगे, एक्स के वैल्यू कितने आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे, तो 2 हमें तो दिया हुआ है, एक एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1 दिया हुआ है। मतलब क्या सर, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, मतलब एक हमारा दिया हुआ एक्स -1 और एक हमारा दिया हुआ एक्स +1, और यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट जरूर रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्टली। तो हमें क्या बोला है कि -1 से पी एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेशन करने के बाद 18 आ रहा है, देन सम ऑफ ऑल कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मतलब ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स था ना जिसका डिग्री 3 था, उसके जितने भी कोफिशियंट आ रहे होंगे ना, सभी का सम आज से आप पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? तो सम पूछ रहा है सर, तो पहले तो हमें पी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो उसका कोफिशियंट हमको दिखेगा। तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डी पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पी एक्स निकाल सकते हैं हम लोग, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो डी पी एक्स इक्वल टू क्या दिखा सर हमें, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू क्या दिखा हमें, डी एक्स दिखा। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना पी एक्स आया हमारा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया सर, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू, ए एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस ए एक्स आ रहा होगा, ठीक है ना। एक कॉन्स्टेंट भी आ रहा होगा, हमको पता है कि सर एक कॉन्स्टेंट भी आता है, ठीक है ना। तो कुछ भी कॉन्स्टेंट आप मान लो, सी मान लो कि सर एक कॉन्स्टेंट हमारा सी आया होगा। तो ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा क्या है, पी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा था, क्या लिखा था सर, पी माइनस 3 पुट करने के बाद क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आप जिस दिन पी माइनस 3 पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, पी माइनस 3 पुट कर रहे होगे, तो ये फंक्शन क्या मिला हमें, 0 मिला। तो सर हम माइनस 3 जिस दिन यहाँ पुट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, -27 ए अपॉन 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा सर, 3 पुट किए तो +3a प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9a आ गया हमारा। तो यहाँ पे कितना हो गया, -6 है, तो c इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6a आ गया। मतलब एक रिलेशन आ गया हमारा c और a में, ठीक है। तो हमने
इन दोनों कंडीशन का यूज कर लिया। एक कंडीशन कौन था सर, जब वैनिश कर जा रहा है वो कंडीशन, और जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दिया हुआ है तो वो कंडीशन हमने यूज कर ली। अब हमें क्या दिया, पी एक्स का माइनस वन से वन तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें 18 दे रहा है। शायद यहाँ से कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि सर पी एक्स के कॉफिशियंट में क्या दिख रहा है, हमें ए और सी दिख रहा है। ठीक है, तो किसी तरह हमें ए और सी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे पी एक्स को माइनस वन से वन तक, तो पी एक्स हमारा क्या है, देख लो यहाँ पे पी एक्स क्या है, ए एक्स क्यू अपॉन थ्री, ठीक है ना, माइनस ए एक्स, और सी का वैल्यू क्या है, सिक्स ए के बराबर है। तो कितना है, सिक्स ए, ठीक है ना, इसको रिप्लेस कर ही देते हैं। और ये किसका वैल्यू बराबर है, 18। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, इसको जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, ए, ठीक है, क्या मिलेगा, ए एक्स की पावर फोर अपॉन, क्या बोलोगे आप, ए एक्स की पावर फोर अपॉन थ्री इंटू फोर, माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ क्या मिल रहा होगा, सिक्स ए एक्स, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, पुट करके चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एक बार वन पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा होगा, ए अपॉन ट्वेल्व, यहाँ पर कितना मिल रहा होगा सर, ए अपॉन टू, और यहाँ क्या मिला होगा, सिक्स ए। फिर हम माइनस भी कर रहे होंगे, ठीक है, माइनस जिस दिन कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा सर, यहाँ माइनस पुट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए अपॉन ट्वेल्व, यहाँ माइनस पुट किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ए अपॉन टू, यहाँ माइनस पुट किए तो हमें क्या मिल गया, माइनस सिक्स ए इक्वल टू क्या है हमारा, 80। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म हमारा कट रहा होगा, सिक्स ए प्लस सिक्स ए कितना हो गया हमारा, 12a इक्वल टू 18। तो a का वैल्यू कितना है हमारा, सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 3/2। तो a का वैल्यू अगर हमारा 3/2 है तो c का वैल्यू कितना हो रहा होगा, c इक्वल टू कितना था हमारा, 6a, बोले तो 6 × 3/2, बोले तो यहाँ से कितना है हमारा, क्या बोलोगे, 3, तो ये कितना आ गया हमारा, 9। मतलब c का वैल्यू 9 और a का वैल्यू 3/2। तो हमें क्या बोला, कॉफिशियंट का सम निकालना है, तो कॉफिशियंट यहाँ पे देख के बताओ क्या है कॉफिशियंट, तो कॉफिशियंट आपको दिख रहा होगा सर, कॉफिशियंट एक क्या हमारा, ए बाई थ्री है, एक कॉफिशियंट कितना है हमारा, माइनस ए है, और एक क्या हमारा, सी है। और ए का वैल्यू कितना आया है हमारा, ए का वैल्यू आया है हमारा 3/2, और सी का वैल्यू कितना आया है, 9। तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, 3/2 × 3, और यहाँ पे 3/2 + 9, तो ये 3 कट गया। एलसीएम ले लोगे तो आप क्या बोलोगे, एलसीएम क्या आ रहा होगा इसका, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे 1, माइनस 3, और यहाँ कितना हो गया, 18। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया, 16/2 कितना हो गया, 8। तो आपका वैल्यू कितना आ गया आपका, 8। समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इतना मतलब अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता है, वैनिश का मतलब पता है, मैक्सिमम मिनिमम का मतलब पता है, ठीक है, क्या वो बोलना चाहता है क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं, मेंस में भी पूछे जा चुके हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। और जब नेक्स्ट आप जो एग्जाम दोगे जेई में, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आप समझना इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि हमारा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसका कंडीशन दिया हुआ है कि सर उसका जो डोमेन है वो क्या है, -3 से 1 तक, और जो उसका को डोमेन है वो क्या है, आर है। बी ए गिवेन एज, मतलब आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इफ द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इज ए, मतलब इस कर्व को जो सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा फाइनल कर्व आ रहा होगा उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया जो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि आप 6a का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी उसको 6 से मल्टीप्लाइड करके हम आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह बनाया करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे सर, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर दोनों का फाइनल जो ग्राफ आएगा उसके बाद उसका मिनिमम वैल्यू देखा करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसका और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहाँ से सर, 0 से लेकर 1 तक के बीच में, और उसका क्या देखेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और उसी का एक्स एक्सिस के साथ हम लोग क्या ले रहे होंगे, एरिया ले रहे होंगे।
चलिए देखते हैं इसको। तो अगर ऊपर वाले का बात करें तो ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ क्या होता है, आपको पता है कि सर वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ होता है हमारा y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, माइनस सिक्स। मतलब यहाँ पे कहीं सर माइनस सिक्स हो रहा होगा, ठीक है। और सर इसका इंटरसेप्ट कितना है, 6 है, तो ये क्या हो रहा होगा हमारा, 6 हो रहा होगा। तो इसका जो फाइनल ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, मेरा ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा बन गया ग्राफ किसका, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हमारा एक्स स्क्वायर। अब सर एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ देख लेते हैं, लेकिन सर यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी आप ग्राफ बन रहा होगा ना यहाँ पे वो क्या लेना, माइनस थ्री और जीरो के बीच में ही लेना है, ठीक है। मतलब जो हमारा ग्राफ हो रहा होगा इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि सर ये जो ग्राफ हो रहा होगा हमारा, इधर वाला ग्राफ हमारा नहीं हो रहा होगा, ओनली कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर इधर से लेकर माइनस थ्री से लेकर जीरो तक ही हमारा ग्राफ हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है हमारा, ये होता है। अब सर ये वाला ग्राफ क्या जाता है, इधर जाता, लेकिन सर हमें क्या बोला, माइनस थ्री से जीरो के बीच में ही लेना है। तो इधर वाला राइट साइड वाला ग्राफ को क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। तो हमारा क्या ग्राफ बना, यहां तक ग्राफ बना, ठीक है। अब सर अगर हम देखते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये क्या हमारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, और एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। तो थ्री तो इधर हो जाएगा, इधर कहीं कट कर रहा होगा, तो वो तो हमें नहीं देखना। x इक्वल टू माइनस सिक्स यही हम ले रहे होंगे, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो ये वाला जो पॉइंट मिला ये हमें क्या मिला सर, ये वाला हमें मिला x इक्वल टू माइनस टू। और हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बोला है, हमें ग्राफ ग्राफ हमें बोला है माइनस थ्री से जीरो तक। मतलब ये वाला क्या हो रहा होगा, माइनस थ्री हो रहा होगा, ठीक है, माइनस थ्री तक जीरो तक ही हमें ग्राफ लेना है। चलिए ये वाला हो गया। अब इसके बाद इधर देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला है, रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम बना रहे होंगे तो क्या जीरो से लेकर वन तक ग्राफ क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। रूट एक्स का ग्राफ हमको पता है कि सर उसका ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, यही होता है हमारा ग्राफ। रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। ये वाला किसका ग्राफ हो गया हमारा, वाई इक्वल टू रूट एक्स, और ये वाला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, बोले तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, जीरो आया है भी यहाँ पे, एक क्या आया, वन, और एक माइनस वन, ठीक है। तो हमारे लिए कौन काम का है, वन काम का है, तो वन को हमने ले लिया। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल रहा था हमें, वन मिल रहा था। ये हमारा फाइनल ग्राफ बन चुका है। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें किस एरिया का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि जब आप माइनस थ्री से जीरो तक ले रहे होगे ना, तो आप क्या लेना, इस दोनों ग्राफ का क्या लेना, मिनिमम वैल्यू लेना। अब सर मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप माइनस थ्री से लेकर टू तक बात करोगे तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर यही वाला मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली माइनस टू और जीरो के बीच में अगर बात कर रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा है, माइनस टू और जीरो के बीच में कितने ग्राफ दिख रहे हैं, दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अब इस दोनों का मिनिमम कौन है, नीचे कौन है सर, तो नीचे आप बोलोगे कि सर ये वाला नीचे है, तो ये वाला बात कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस एरिया को एक्स एक्सिस के साथ इस एरिया को फाइंड करना है, इधर बात कर रहे होंगे तो सिमिलरली इधर देख रहे होंगे। तो हमें क्या बोला, इस दोनों में क्या देखना, मैक्सिमम वैल्यू देखना है, मतलब ऊंचा ग्राफ देखना है जो ऊपर वाला ग्राफ हो रहा होगा। तो इसमें और इसमें ऊंचा कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली सर ये वाला है, ये वाला ऊंचा हो रहा है, ठीक है। तो सर ये वाला देख रहे होंगे तो सर इसी का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, तो यही एरिया की बात कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या निकालना पड़ रहा है, हमें ये एरिया प्लस ये एरिया, यही एरिया निकालना है, और यही किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे।
चलिए तो एरिया की बात करेंगे तो इस कर्व को सर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, -3 से -2 तक। तो एरिया क्या हो रहा होगा हमारा, -3 से लेकर कहाँ -2 तक। फिर क्या कर रहे होंगे प्लस, या प्लस क्या कर रहे होंगे -2 से लेकर 0 तक। अब सर यहाँ पे कौन सा कर्व है, वाई इक्वल टू क्या था हमारा x+6, तो ये वाला क्या होगा x+6 dx के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे होंगे। इसका कर्व क्या है सर x2, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। प्लस ऊपर वाला कर्व कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक क्या है हमारा √x dx। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे होगे तो अब इसके बाद काफ़ी आसान है सॉल्व करना, क्या हो जाएगा x2 प्लस 0 से लेकर 1 तक। तो जब हम लिमिट पुट कर रहे होंगे तो किस तरह पुट कर रहे होंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर रहे होंगे तो इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4/2, ये वाला पुट करेंगे कितना हो जाएगा -12, -3 पुट कर रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा सर 9 हो रहा होगा, 9/2, -3 पुट कर रहे होंगे कितना हो जाएगा -18 हो रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, इसको जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला पुट कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा -8/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक बार 1 पुट कर रहे होंगे तो 1 का 1 ही होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आया, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, -10 दिख रहा है। यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है -+27/2 दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे 8/3 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2/3 दिख रहा है, ठीक है। समझ में आई बात, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम कितना ले लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 81 प्लस ये कितना हो जाएगा सर 16, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 41/6 आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें 6a, ये क्या हमारा a है, तो हमें क्या निकालना था, हमें 6a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर 6a का वैल्यू जो हमारा हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 6a इक्वल टू क्या हो रहा होगा 6 × 41/6, ये कट गया, क्या बचा हमारा 41। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ग्राफ का अप्रोच लेके। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन, बस आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम लेना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दिया गया है, मतलब ऑप्शन के साथ मैनिपुलेट किया गया है, तो हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट FR2R बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू e^-x sin x इफ, ठीक है। जो कैपिटल fx वो क्या दे रहा है, वो 0 से लेकर 1 r तक इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो कैसा फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो। विथ दैट आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, तो आप बोलोगे सर कैपिटल fx का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ, मतलब आपसे क्या बोला है कि इसका वैल्यू कहाँ के बीच, मतलब क्या हो रहा होगा, देन द वैल्यू ऑफ लाई इन द इंटरवल, कहाँ पे वो लाई कर रहा होगा, किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, इसी का हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि सर f'x क्या है, तभी ना उसका वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है, तो दोनों का वैल्यू वहाँ पुट करना पड़ेगा। तो इसे आप सॉल्व कर रहे होगे तो कैपिटल fx कितना दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहाँ पे आपका 1/2 नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है। तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ हमें, 0 से x, फिर क्या लिखा हुआ हमें f(t)dt। अगर हम यहाँ पे न्यूटन लेबनीज लगा रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो इधर डिफ्रेंशिएट कर दिए, इधर क्या करते हैं सर, अपर लिमिट यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा,
ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे हम, जो सर इसको पुट किए उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन वन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो और जीरो का डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा, मतलब कैपिटल एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो हमें क्या निकालना है, हम इसको कुछ मान लेते हैं, हम आई मान लेते हैं, किसका वैल्यू निकालना है, जीरो से वन कैपिटल एफ एक्स डैश प्लस एफ एक्स, और यहाँ क्या है सर हमारा ई एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाए, तो कैपिटल एफ एक्स क्या वैल्यू हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे होंगे तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा, टू एफ एक्स हो जाएगा, तो टू जीरो से वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स, और यहाँ क्या है ई एक्स डी एक्स। अब हम एफ एक्स का वैल्यू भी वहाँ से पुट कर सकते हैं, एफ एक्स का वैल्यू क्या है e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू इंटू जीरो से वन e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सर ये वाला तो कट गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है x के पावर में दोनों का पावर ऐड होगा ना, ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो चलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, लिमिट क्या दिया हुआ है सर हमारा, लिमिट हमारा दिया हुआ है जीरो से लेकर वन, और आगे में कौन है हमारा टू है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो एक दिन आप लिमिट वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस वन माइनस जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन, ठीक है, माइनस वन। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया आई के नाम पे, आई के नाम पे आपके पास आ गया टू इंटू वन माइनस कॉस वन, ठीक है। तो इसको टू से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो टू माइनस कॉस टू कॉस वन, देखो ये हमारा आंसर आया। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, आई का वैल्यू दिया हुआ है क्या इस टर्म में, नहीं दिया हुआ है ना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो आपसे क्या चाहता है कि इसको आप फर्दर सॉल्व करो, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरवल फाइंड करो, क्योंकि अभी जो आई है वो डायरेक्ट आई नहीं पूछा गया, मतलब इसका वैल्यू नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया ये किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है जो हमें इंटरवल डिसाइड करके दे रहा होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर जो हमारा कॉस है ना, कॉस का हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं क्या होता है, कॉस का एक्सपेंशन तो आपको पता है कि सर कॉस का एक्सपेंशन होता है हमारा, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स का फैक्टोरियल, डॉट 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 इसी तरह चले जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो आज एक्स की जगह कौन है वन है, तो आप क्या लिख रहे होंगे, माइनस क्या लिख रहे होंगे वन अपॉइंट टू का फैक्टोरियल, ठीक है ना, वन अपॉइंट फोर का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस वन अपॉइंट सिक्स का फैक्टोरियल, यही हो रहा होगा हमारा डॉट डॉट डॉट। चलिए तो अब इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके अगर लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, टू माइनस कितना होगा टू, ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया होगा तो कितना होगा प्लस टू अपॉन टू का फैक्टोरियल, ठीक है ना, माइनस टू अपॉन फोर का फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया होगा सर, यहाँ पे हमारा प्लस टू अपॉन सिक्स का फैक्टोरियल, फिर पक्का सर नेक्स्ट टर्म जो रहा होगा टू अपॉन एट का फैक्टोरियल रहा होगा सर माइनस के साथ, डॉट 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 ऐसा कुछ चला जा रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म कट गया, आई इक्वल टू क्या है हमारे पास वन माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा हमारा ट्वेल्व आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस वन अपॉन थ्री सिक्सटी आ जाएगा, सात सौ बीस होता है इसका वैल्यू, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसा कुछ आ रहा होगा टू अपॉन एट का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप इसको अच्छे से देख रहे होगे तो आप क्या देखोगे कि सर अगर हम बात करें कि आज हम लोग इनइक्वलिटी देखना है ना हमें, तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम आज यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या कर रहे होंगे, सम कर रहे होंगे, ठीक है ना, ऐड कर रहे होंगे, तो हमें क्या दिखेगा सर, जो भी इसका वैल्यू आ रहा है ना उसके बाद क्या हो रहा है सर, कुछ एक जो नेक्स्ट टर्म है ना वो घट रहा है, मतलब जो भी इसका वैल्यू आया होगा ना उससे क्या हुआ होगा, उसको क्या किया होगा, ये अगला वाला टर्म क्या होगा, घटा दिया होगा, छोटा कर दिया होगा। तो अगर इस पूरी आई की बात करें, ये जो आई लिखा हुआ है, आई क्या हो रहा होगा सर, पूरा सबका सम हो रहा होगा, तो आई जो हो रहा होगा वो हमेशा क्या हो रहा होगा सर, ऑलवेज क्या हो रहा होगा कि सर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐड कर रहे होंगे ना, उससे क्या हो रहा होगा सर, हमारा छोटा हो रहा होगा। कैसे छोटा हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका अगला टर्म क्या हो रहा है सर, उसको घटा रहा है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो रहा होगा सर, बड़ा हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, वन अपॉन थ्री सिक्सटी,
अब एक बात यहाँ पे और हम लोग देख सकते हैं कि अगर सर आज अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब जो आई का जो वैल्यू हो रहा होगा ना, वो क्या हो रहा होगा सर, बड़ा हो रहा होगा, किससे, अगर हम इस दोनों का सम करते हैं, समझ में आ रहा है ना। मान लो इस दोनों का सम करने के बाद कुछ भी आया, मान लो ए आया, तो ए में तो कुछ ऐड ही हो रहा है ना, मतलब आई के वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली सर क्या हो रहा होगा, इस दोनों के सम से क्या हो रहा होगा, हमारा बड़ा ही हो रहा होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर आई वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, इस दोनों के सम से बड़ा हो रहा, मतलब 1-1/12, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हमें बनाना था तो हमने बना चुका है, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 11/12, इधर कितना हो जाएगा आई, और इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3/31/360 आएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब सर एक तरफ तो हमारे पास आ गया 3/31/360, और सभी ऑप्शन में आपको देख रहे होगे एक चीज कॉमन है कि सबके नीचे में क्या है, 360 है, तो उसको देख के भी हमने वो सोचा था, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है सर, इधर हमें तो दिख रहा है एक हमारा ऑप्शन आया है ये वाला, ठीक है ना, एक ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है सर, एक ऑप्शन ये दिख रहा है जिसमें क्या है 3/31/360 है, ठीक है, लेकिन इधर वाला नहीं आया। तो एक काम कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर को सेम कर देते, डिनोमिनेटर तो सेम है 60, तो इसमें क्या मल्टीप्लाइड करें कि 360 हो जाएगा, तो अगर हम 30 मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया 3/31/360, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3/30/360 के बीच में आ गया, ठीक है, देखो ऑप्शन आ गया, समझ में आई बात कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो यार, अगर ये क्वेश्चंस मतलब पहले भी मेंस के एग्जाम में पूछा गया, जहाँ पे क्या हो गया कि ये जो ऑफ क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आके रोक दिया था, इसके बाद क्या हो गया था, आपको चार को ऑप्शन दे दिया था, ठीक है, तो उसमें किसी को भी आप कर दे रहे थे, लेकिन आज क्या बोला कि इसके आगे एग्जामिनर जो चाह रहा था आपसे कि सर आप इससे आगे जाओ और पता करो कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इंटरवल में लाई कर रहा है, तो कॉस को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, फिर हमने क्या देखा कि सर हमने देखा कि सर यहाँ से यहाँ तक जब हम सम कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक जब सम कर रहे थे तो उसमें कुछ माइनस हो रहा था, मतलब आई का ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा था, घट रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या था, आई के वैल्यू से मतलब ये वाला वैल्यू क्या था, बड़ा था, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या देखा कि सर यहाँ से यहाँ तक का सम किए और उसके बाद कुछ हमारा अगला टर्म है जो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस आई को बढ़ा रहा है, मतलब आई का वैल्यू क्या हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा होगा, तो हमने क्या किया, इसका रिलेशन फाइंड करके आई का बारे में पता कर लिया कि वो किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लेट जी एक्स, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स एफ टी डी टी, वेयर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ क्या है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा है, इन जीरो से लेकर थ्री, जीरो से लेकर थ्री में क्या है सर, हमेशा वो कंटिन्यूअस हो रहा होगा, ठीक है। फिर क्या बोला, सच दैट एफ टी का वैल्यू जो है वो क्या है, 1/3 से लेकर 1 तक है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 1/3, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, फॉर ऑल टी इक्वल टू टी बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 में हमें क्या बोला है, टी जब हमारा क्या था सर, 0 से लेकर 1 था, ठीक है ना, तो हमारा जो एफ टी था वो क्या था, एफ टी हमारा दिया हुआ है 1/3 से लेकर 1 तक दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला है, एंड 0 से लेकर 1/2 तक था, जब टी हमारा क्या था, 1 से लेकर 3 तक, मतलब टी की वैल्यू जब क्या थी, 1 से लेकर 3 तक था, तो हमारा क्या था, क्या बोलोगे, 0 से ft 1/2, समझ में आ रही बात। फिर हमें क्या बोला है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल इन विच G3 लाइज, मतलब आपसे क्या बोला है कि इसका G3 का मतलब इंटरवल फाइंड करो, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल क्या पॉसिबल हो सकता है, मतलब G3 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें GX का वैल्यू दिया हुआ है, GX का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, GX का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0 से X, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FT DT, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, G3 फाइंड करना है, तो X की जगह आज अगर हम 3 पुट कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे,
कि सर 0 से लेकर 3 और यहाँ पे क्या हो गया एफटी डीटी हो गया। अब सर हमारा एफ टी जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस, तो इसको आगे ब्रेक करके भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, 0 से लेकर 3 को हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 एफ टी डी टी प्लस 1 से लेकर 3 एफ टी डी टी। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके इंटरवल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या किया जाए सर हमारा, तो हमें G3 का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या बोलोगे सर, G3 का जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा क्या हो रहा होगा, जब ये वाला और ये वाला मैक्सिमम दे रहा होगा। G3 का मिनिमम वैल्यू कब हो रहा होगा, जब ये वाला और ये वाला क्या दे रहा होगा, हमारा मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, G3 जो है ना वो कहाँ 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 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला अपने मैक्सिमम मतलब G3 का वैल्यू जो मैक्सिमम हो रहा होगा FT का मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से, यहाँ पे जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, टी का वैल्यू जब 0 से लेकर 1 है तो FT का जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या दिया हुआ है सर, 1 दिया हुआ है। मतलब आज आपको पता है कि FT का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो FT का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर दो, क्योंकि ये हमें पता है कि ये मैक्सिमम पे मैक्सिमम दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dt प्लस, ठीक है, फिर क्या लिखोगे 1 से लेकर 3 तक, और 1 से लेकर 3 तक FT का मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, तो 1 से लेकर 3 तक FT का मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है। तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो सर 1/2 dt लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सर इसका मिनिमम कब दे रहा होगा, जब ये वाला मिनिमम और ये वाला मिनिमम हो रहा होगा। तो आप अगर बात करते हो कि सर 0 से लेकर 1 तक FT का वैल्यू मिनिमम क्या था, एंड 1 से लेकर 3 FT का मिनिमम वैल्यू क्या था, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि सर 0 से लेकर 1 में FT का वैल्यू जो मिनिमम था वो क्या था, 1/3 था। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, 1/3 पुट कर दोगे। 1/3 से लेकर FT का मिनिमम वैल्यू क्या था, 0 था। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो इसको आपको सॉल्व करने आता है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, G3, और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 - 1। ठीक है, सिमिलरली इधर हम लोग बात कर रहे होंगे तो 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या, ये तो 0 ही है। तो आंसर क्या है, 1/3 से G3 का वैल्यू कहाँ है, ठीक है, ये 2 कट गया, क्या बचा 2। तो G3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या था हमारा, 2 था, और मिनिमम जो हमारा पॉसिबल वैल्यू था वो क्या था, 1/3 था। तो क्या बोलोगे, 1/3 से 2 तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर D। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया किस तरह हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आपको इस तरह का तैयारी भी करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आपको क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें क्या बोला है कि जो एरिया इसका हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारा कर्व क्या है, पहले आप अच्छे से समझ जाओ, y 4y² = ठीक है ना x² ठीक है ना 4 - x, और यहाँ पे क्या है x - 2। देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, समझने वाले ग्राफ तो चलो हम लोग वेवी कर्व मेथड से बना लेंगे। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे x क्या है, आज माइनस में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज़ ये समझना पड़ेगा कि सर ये क्या है, y² है। मतलब सर इधर वाला क्या है हमारा, LHS में क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इधर वाले भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन वैलिड हो रहा होगा। ये वाला क्या दिया हुआ है सर, ये वाला हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला पॉजिटिव है, x² है, तो इस वाले को भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम लोग 4 - x, x - 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसका डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम लोग ले रहे हैं, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ले रहे होंगे। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो > 0 बोल दो। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x - 4 और क्या हो जागा, x - 2, और यहाँ पे क्या होगा, > 0। मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 से लेकर 4 तक। मतलब इस फंक्शन का जो भी ग्राफ बनाएंगे वो क्या लेंगे हम लोग, 2 से लेकर 4 तक ही ले रहे होंगे। चलिए, तो 2 से 4 तक ही हमारा डोमेन है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर बताओगे तो सर यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, 1 क्या आ रहा था, x का वैल्यू 4 आ रहा था, 1 x का वैल्यू 2 आ रहा था। ठीक है, तो हमें क्या लेना, 2 से लेकर 4 तक, तो हमें 2 से लेकर 4 तक
ठीक है। और ऑब्वियसली सर ग्राफ का नेचर हमारा क्या, और अगर इधर क्या है हमारा जीरो है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट अगर आप ग्राफ बनाते हो, बनाते भी हो, तो चलो वो भी सिखा देते हैं किस तरह ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब हमारा 4 to 0, ठीक है। तो अगर 4 से उधर कोई भी अगर वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है सर, x नेगेटिव है, मतलब इधर क्या दे रहा होगा, नेगेटिव दे रहा होगा। उसके बाद क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव मिल रहा होगा। क्यों, 4 हमारा जहाँ से भी आया उसका पावर क्या है, ऑड है। 2 हमारा जहाँ से आया उसका पावर क्या है, ऑड है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन सर 0 हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, मतलब उसका पावर क्या है, इवन है। और इवन जब पावर होता है तो साइन हमारा चेंज नहीं होता है। तो वे भी कर्व मेथड अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, इसका कर्व का जो हो रहा, कर्व जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, नेगेटिव है, मतलब इधर क्या हो रहा होगा हमारा, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा होगा हमारा, ऐसा कुछ आ रहा होगा, नीचे से आ रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा सर, 2 से लेकर 4 के बीच में क्या, ये वाला हमारा पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना, रफली डायग्राम बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होगा सर, 2 से लेकर 0 के बीच में क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा होगा। फिर क्या है सर, फिर पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, मतलब फिर नीचे आ गया, तो ये कर्व बन रहा होगा। और हमें क्वेश्चन में डोमेन क्या है, मतलब 2 से लेकर 4 तक ही बीच में लेना है, तो 2 और 4 के बीच में ही लेना है, तो बाकी तो हमारे ग्राफ में हो ही नहीं रहा होगा। तो ये सब क्या हो, इसको हटा दो आप, ये सब क्या हट जाएगा आपका, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका फाइनली ग्राफ क्या आया, ये वाला है 2 से लेकर 4। और आपको पता है कि सर यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई, वाई में जब स्क्वायर होता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और जब एक्स में स्क्वायर होता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो नीचे भी बन रहा होगा, मतलब जो भी एरिया ले रहे होंगे उसको क्या कर दिए होंगे हम लोग, डबल कर दिए होंगे। तो अगर आप इसका एरिया निकाल रहे होगे तो आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन लेकर 4 क्या हमारा, वाई डी एक्स। तो वाई का वैल्यू निकाल रहे होंगे 2 से लेकर 4, वाई का वैल्यू अगर हम निकाल रहे होंगे यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे सर, 1/2, ठीक है, क्या मिल रहा होगा हमें, 1/2, और आगे क्या मिल रहा होगा, एक्स रूट अंडर 4 - x, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, x - 2। तो इसके बाद क्या बन चुका है आपका क्वेश्चन, पूरा कैलकुलेशन का बन चुका है, थोड़ा क्वेश्चन मतलब इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, अभी ऊपर का एरिया लिया है तो नीचे का भी तो एरिया लेना पड़ेगा, तो 2 से हमने मल्टीप्लाइड भी कर दिया इसको, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे, और यही एरिया का बात कर रहा है, ठीक है। तो अंदर में क्या दिख रहा है हमें, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ठीक है। बाहर में क्या दिख रहा है हमें, एक्स दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व किया करते थे, जो भी अंदर वाला है उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग बाहर बना लिया करते थे और उसको सॉल्व कर लिया करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसको मैनिपुलेट करके आप कैलकुलेशन करके इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ रहा होगा आफ्टर सॉल्विंग, आप लोग खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसका एरिया जो आ रहा होगा 3π/2 आ रहा होगा, ठीक है। मेथड इसका यही था कि ग्राफ किस तरह बनाए जाते हैं, और ग्राफ बना के फिर उसका मतलब डोमेन निकाल के हमने उसको ग्राफ का नेचर देख लिया, उसके बाद क्या कर दिया, उसका एरिया को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, हमने सभी क्वेश्चंस का डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस किए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।